खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 TV को सब्सक्राइब करें। जब फुटबॉल ग्राउंड पर पहुंची गाय, प्रोफेशनल खिलाड़ियों की शामत आई, चला आर पार का मैच, रोनाल्डो और मेसी की तरह फुटबॉल के पीछे दौड़ लगा रही गाय का ये वीडियो साल 2019 में खूब वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर लाखों यूजर्स ने गाय के इस वीडियो को लाइक और शेयर किया। 1 जुलाई 2019 को क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने ट्विटर अकाउंट पर गाय का ये वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बाद देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आने लगे। वीडियो की पड़ताल की तो पता चला फुटबॉल के मैदान में प्रोफेशनल खिलाड़ियों से सीधी टक्कर वाला ये वीडियो गोवा का है, जहां कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे थे उसी दौरान गाय मैदान में आ पहुंची और बॉल को अपने कब्जे में ले लिया। करीब 2 मिनट तक गाय ने फुटबॉल अपने पास रखी, मगर कुछ देर बाद एक बच्चा फुटबॉल निकालने में सफल हो गया। अपने पास से फुटबॉल जाती देख गाय उसका पीछा करती है और मैदान के चक्कर काटने लगती है। कुछ समय बाद फुटबॉल फिर से गाय के कब्जे में आ जाती है। इस दौरान कुछ खिलाड़ी लकड़ी से गाय को भगाने की कोशिश भी करते हैं, मगर उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं हो पाती। आखिर में गाय को चकमा देकर खिलाड़ी फुटबॉल पर कब्जा जमा लेते हैं और गाय भी थक हार कर मैदान से बाहर चली जाती है। एक वानर कोतवाली के अंदर। दरोगा के कंधे पर बैठा बंदर, कोतवाल साहब करते रहे काम, जुए बीनते रहे हनुमान। बंदरों को देखकर लोग अक्सर बचते या फिर उन्हें भगाते नजर आते हैं, मगर पीलीभीत जिले की कोतवाली सदर का ये नजारा आपको चौंका देगा। 7 अक्टूबर के दिन प्रभारी निरीक्षक श्रीकांत द्विवेदी कार्यालय में बैठकर अपने काम में लगे थे, इसी दौरान एक बंदर कोतवाली में आ पहुंचा और दरोगा साहब के कंधे पर जा बैठा। कोतवाली में मौजूद पुलिस कर्मियों ने बंदर को भगाने की कोशिश की, मगर श्रीकांत द्विवेदी ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। बंदर काफी देर तक कोतवाल साहब के कंधे पर बैठकर चूहे बिनता रहा और आखिर में कुछ समय बाद सिर से उतरकर वहां से भाग गया। लोकसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर छाई पीठासीन अधिकारी को आप भूले नहीं होंगे। मेरा दिल धड़का वे पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी धड़का।
2019 में इस महिला अधिकारी ने भी सोशल मीडिया पर जमकर धमाल मचाया था। पीली साड़ी, कट स्लीव्स ब्लाउज, आंखों पर चश्मा और लाल लिपस्टिक लगाए इस महिला अधिकारी को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान दावा किया गया कि इनकी खूबसूरती की बदौलत पोलिंग बूथ पर मतदाता उमड़े और रिकॉर्ड 100% मतदान हुआ। सोशल मीडिया पर किए गए दावे के बाद पीठासीन अधिकारी को हर सोशल प्लेटफॉर्म पर ढूंढा गया। टिकटॉक ऐप पर महिला अधिकारी के कुछ वीडियोस मिले जिन्हें भी खूब शेयर किया गया। देखते ही देखते पीठासीन अधिकारी सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। बाद में महिला अधिकारी की सारी कुंडली सामने आ गई। पता चला पीली साड़ी वाली मैडम का नाम रीना द्विवेदी है और मोहतरमा लोक निर्माण विभाग में तैनात है। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहे, दीवानी तू मेरी दिया। चुनाव के दौरान 6 मई को लखनऊ के नगराम बूथ पर महिला अधिकारी की ड्यूटी लगी थी, जिसके बाद से रीना द्विवेदी सोशल मीडिया स्टार बन गई। आज भी इस वीडियो को देखकर लोग गदगद हो उठते हैं। 6 मिनट का ये मजेदार वीडियो आज भी लोगों को हंसने पर मजबूर कर देता है। मुझे लैंड हो रहा है बस भाई मेरे, मैं तेरा भाई तो 200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे भाई, 500 ज्यादा ले ले, लेकिन मुझे लैंड करा दे। आज हमारा पैराग्लाइडिंग के दौरान डरे सहमे से नजर आ रहे ये शख्स है बांदा के बिपिन साहू। बिपिन वैसे तो टाइल शोरूम के मालिक हैं, मगर इस वीडियो ने उनको लाखों लोगों तक पहुंचा दिया। आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है बस। बहुत ऊपर है भाई, कैमरा कर लंबा है यार, तो भी वीडियो बनेगा भाई। मुझे नहीं पता कैसे होता है, ठीक है बटन खोल। कौन सी बटन है? नहीं दिख रहा। मनाली ट्रिप में पैराग्लाइडिंग के दौरान विपिन ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसे उनके भाई ने यूट्यूब पर अपलोड किया। बहुत बढ़िया भाई, लैंड कराओ। लैंड थोड़ी है भाई, मुझे लंबी राइड नहीं करनी ज्यादा भाई, लंबी राइड नहीं करेगा अपन बस। अब कैमरा करा रहा, लंबा कर क्यों कर रहा है? अरे मम्मी रे, अरे बाप रे, अरे अरे दादा रे, नहीं 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 पैराग्लाइडिंग की शुरुआत में विपिन काफी उत्साहित थे, मगर बाद में वो इतना घबरा गए
कि ट्रेनर को लैंड कराने को कह रहे थे। और ऊंचे कर लिया, अब इससे ज्यादा ऊंचे नहीं होगा। आ, 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 क्या हुआ यार? कुछ नहीं हुआ भाई, लैंड करना है अब अपने को। पैर ऊपर कर दिए हैं भाई, पूरे पैर ऊपर भाई कसम से, तुम्हारी कसम पैर ऊपर है लेकर दिए भाई, भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, जो इसमें आया हूँ। पांव कर ऊपर, क्या बोला मैं? बिपिन का ये रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, वीडियो को करोड़ों लोगों ने देखा। ऊपर कर, ऊंचा कर पाऊँ, ऐसे रख पाऊँ। डीटीसी को बनाया डांस का मंच। मार्शल के साथ देसी सपना ने लगाए ठुमके। दिल्ली की सपना बस में वायरल हो गई। ड्राइवर है, कंडक्टर है, यहाँ तक कि बस की सुरक्षा में मार्शल भी तैनात है। सड़क पर बस खड़ी है और बस के अंदर सपना चौधरी के गाने पर डांस करती लड़की का टिकटॉक वीडियो शूट हो रहा है और सब डांस के मजे ले रहे हैं। अब लड़की बस से बाहर निकलती है, गाना भी बदल जाता है, मगर लड़की का डांस उसी अंदाज में जारी है। चांद से पर्दा कीजिए, हाँ चांद से पर्दा कीजिए। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती, यही बात जमाने को बुरी लगती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। लड़की मार्शल की चारों ओर खूब घूम कर डांस कर रही है। चांद से पर्दा कीजिए, हाँ चांद से पर्दा कीजिए। साल 2019 में इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया। वीडियो वायरल हुआ तो डीटीसी के स्टाफ पर सवाल भी उठे, लिहाजा डीटीसी ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया था। अप्रैल मई में हुई लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेता का एक ऐसा चुनावी वीडियो सामने आया जिसने चुनावी माहौल को किनारा करते हुए लोगों को गुदगुदाने का काम किया। कमल 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 कमल, आपको सोचना होगा कि कमल चाहिए या क्या चाहिए। कमल 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 कमल, इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना, मां लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमल 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 पे, कमल पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल को तीसरी बार लोकसभा भेज देना तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए हैं। कमल 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 कमल, इतना कमल कर देना, इतना कमल कर देना, मां लक्ष्मी आपके दरवाजे पे, आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए। कमल, दरअसल कमल का रैप करते ये है बीजेपी नेता विनीत शारदा।
चुनावी रैली के दौरान विनीत शारदा ने बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील इतने शानदार तरीके से की कि वो वायरल हो गए। दरवाजे पे आपके घर पे आने पे मजबूर हो जाए कमल 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 पे कमल पे बैठा के राजेंद्र अग्रवाल। नेताजी राजेंद्र अग्रवाल के पक्ष में वोट मांगने गए थे। मंच और माइक देखकर उनका कमल प्रेम उमड़ पड़ा। जनता के सामने विनीत शारदा ने कमल शब्द की ऐसी रट लगाई कि सुर्खियों में छा गए। भाषण के दौरान उन्होंने पार्टी चिन्ह कमल की ऐसी व्याख्या की कि शायद ही कोई बीजेपी नेता कर पाया हो। इतना ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी को राम का तक बता दिया। तीसरी बार लोकसभा भेज देना तो आपको लगेगा मोदी राम के रूप में आ गए। बाढ़ को लोग अक्सर परेशानी समझते हैं, मगर मस्त मौला लोग परेशानी में भी आनंद के पल ढूंढ ही लेते हैं। आज ब्लू है पानी 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 पानी, चल होली खेले रानी 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 जाओ। अब इलाहाबाद के इन दंपति को ही देख लीजिए। घर में घुटनों तक बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। सीढ़ियां भी पूरी तरह से बाढ़ में डूब चुकी है, मगर इन सबसे बेफिक्र पति पत्नी की मस्ती जारी है। सीढ़ियों पर लगी रेलिंग को पकड़े पत्नी तैरने की कोशिश कर रही है, साथ में खड़ा पति पत्नी को सहारा देकर तैरना सिखा रहा है। दोनों स्विमिंग पूल बन चुके घर में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। घर में बाढ़ का पानी है, इंसान की कमर तक जलस्तर पहुंच चुका है, लेकिन इससे बेपरवाह पति पत्नी घर में ही डुबकी लगा रहे हैं। एक दूसरे को पकड़ कर दोनों डुबकी लगा रहे हैं। पति पत्नी करीब 10 बार गंगा में डुबकी लगाते हैं। बाढ़ में मस्ती करते इलाहाबादी जोड़े का ये वीडियो इस साल जमकर वायरल हुआ। प्यार का नगमा है मौजू की रवानी है। रेलवे स्टेशन पर गाना गाकर रातों रात सुपरस्टार बनी ये है रानू मंडल। आम महिला सी दिखने वाली रानू आज किसी परिचय की मोहताज नहीं, उनकी शोहरत बुलंदियों पर है। आज वो लाखों लोगों की प्रेरणा बन चुकी है। रानू कुछ समय पहले तक पश्चिम बंगाल के रानाघाट स्टेशन पर भीख मांग कर गुजर बसर करती थी। इस दौरान वो थोड़ा बहुत गुनगुना भी लेती थी। गाना गाते हुए एक दिन किसी ने उनका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ पाकर जीवन का मतलब तो आना जाना है। देखते ही देखते रानू मंडल का वीडियो वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर यूजर्स उनकी मधुर आवाज की तारीफ करने लगे। लाखों लोगों तक रानू मंडल का वीडियो पहुंचा और वो सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई। मतलब तो आना और जाना है, दो पल के जीवन से। सोशल मीडिया पर फेमस होने के बाद बॉलीवुड सिंगर हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल को फिल्मों में गाने का मौका दिया। आशिक
ये थे साल के कुछ वायरल वीडियोस जिन्होंने 2019 में जमकर धमाल मचाया। बीते साल में सोशल मीडिया ने रानू मंडल जैसे आम लोगों को सुपरस्टार बनाया। अब इंतजार है उन वीडियोस का जो 2020 में वायरल होंगे और आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।